जो आयोजित की जा रही है और आप सब युवा शक्ति जो लाखों की तादाद में यहां आए और हमारे बीच आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो परम आदरणीय सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल, आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय पुखराज जी गर्ग, खींवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल, मेरता से विधायक सम्मानीय इंदिरा जी, और मैं मंच पर नाम लूंगा काफी लंबा होगा इसलिए सम्मानित मंच, आज आप सबका जोश देखने के बाद इतना जरूर पता चला कि जब हम लोग कोटपुतली के अंदर बैठे हुए बेनीवाल जी की तीन तीन बजे और चार चार बजे सभाएं देखते थे तो लोग ये कहते थे कि सम्मानीय बेनीवाल जी रात को सोते कब हैं, लेकिन जब मैं इस जैसलमेर इस जोधपुर की धरा के ऊपर आया, इस सूर्य नगरी में पहुंचा, तो मुझे ये पता चला कि बेनीवाल जी सो नहीं सकते। इसलिए नहीं सो सकते क्योंकि लाखों युवाओं के जब भविष्य अंधकार में हो तो राजस्थान का यह वीर लड़ाका सो नहीं सकता। और जिस प्यार और जोश के साथ आप लोगों का हौसला देखा, मैंने राजस्थान के उस उत्तरी विधानसभा कोटपुतली से आता हूं और हम लोग जब पहली बार किसान के तीनों काले बिल लाए तो सम्मानीय बेनीवाल जी ने एक आदेश दिया कि हिंदुस्तान की सरकार जो किसानों के विरुद्ध बिल लेकर आई है, हमें आना है और सांजापुर बॉर्डर पर जाम लगाना है। मैं एक बात कहना चाहूंगा मेरे युवा साथियों से, मेरे बुजुर्गों से और मेरी मातृशक्ति से। उससे पहले बहुत से लोग गए लेकिन सांजापुर बॉर्डर पर एक भी गाड़ी को रोक नहीं पाए। और जब 26 तारीख को सम्मानीय बेनीवाल जी निकले तो सांजापुर बॉर्डर जाम हुआ और उसके बाद तभी खुला जब तीनों कानून जो काले बिल थे वो वापस हुए। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, आप सब लोग जानते हैं लेकिन इसलिए बता रहा हूं मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज हम सब लोग यहां आए हैं, हमारे जवानों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से सरकार खिलवाड़ कर रही है, देश का जवान, लोग कहते हैं किसान के बेटे हैं वो जवान बनेंगे, मैं आज उनको कहना चाहता हूं, जब देश के किसान का बेटा जवान होता है तो उसकी जवानी की कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। जब आप लोग जवान होते हो तो इस तेज धूप के अंदर पिता जलता है और चूल्हे के अंदर माता जलती है, तब उनका खून और पसीना जब मिलकर तैयार होता है तो मेरे देश के किसान के बेटे आप जैसे तब जाकर जवान तैयार हो पाते हैं। जो देश की सीमाओं के ऊपर चाहे -20 डिग्री तापमान भी हो लेकिन वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करते, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो देखते हैं कि जिस प्रकार से मेरे गांव में, मेरे ढाणे में, मेरे शहर में, मेरे देश के अंदर जो लोग बिल बनाते हैं वो सुरक्षित है या नहीं है।
मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं उस तानाशाह सरकार को, जो देश का जवान, जो देश का किसान, जिस पिछले 3 साल से सेना की तैयारी कर रहा था और कोई 23 साल का हो गया, कोई 24 साल का हो गया, हमने भी मिलकर सम्मानीय बेनीवाल जी से निवेदन किया। हमने तब निवेदन किया, तब आपने संसद के अंदर इस मामले को उठाया और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि हम जल्द नई भर्ती खोलेंगे युवाओं के लिए और उनको 3 साल की छूट भी देंगे। हमें नहीं पता था इतने निकम्मे और नकारा सरकार है जो कहने के बाद बदलती है। ये किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल है जो कहता है वो करके दिखाता है। साथियों, इस हनुमान बेनीवाल में आपकी ताकत, आपका जोश और आपका होश है। मैं आज इस मंच के माध्यम से जब 450 किलोमीटर दूर चलकर आया तो यह देखने आया था कि जोधपुर की धरती के अंदर उन युवाओं को जाकर देखूंगा जिन युवाओं के हौसले इतने बुलंद हैं और जिनकी एक आवाज पर राजस्थान का शेर हनुमान बेनीवाल खींचा चला जाता है। मैं आपके सिर्फ दर्शन पाने के लिए इस जोधपुर की धरती पर आया हूं और आज आपको सच्चे मन से प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं उनकी माता पिता को जिसने फिर से राजस्थान का पूरे देश में नाम रोशन किया और ऐसे वीर पुत्र हनुमान को जन्म दिया। यह विश्वास दिलाने आया हूं आपको कि जोधपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर तक की नहीं, हनुमान बेनीवाल की आवाज अब उत्तरी राजस्थान के अंदर इनका सेवक बनकर इनकी सेवा करने के लिए हम लोग ने भी कमर कस ली है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में जो प्यार और सम्मान आप हनुमान बेनीवाल को देते हैं उससे बढ़कर देंगे और आने वाली 24 जो 2023 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तरी राजस्थान किसी भी सूरत में नागौर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ इनसे कम नहीं रहेगा, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और आपके हाथ मजबूत करने का काम करेगा। आज हम लोग आए आपको विश्वास दिलाने कि सम्मानीय बेनीवाल जी आप पूरी ताकत के साथ लड़े और मैं तो खास तौर से मेरे बुजुर्गों से, मेरे युवा साथियों से और मेरी मातृशक्ति से एक निवेदन करने कोटपुतली की धरा से इस जोधपुर की धरा पर आया हूं और यह निवेदन यह है कि कब तक मांगते रहोगे, मांगते रहो, आपको देने वाला नहीं मिलेगा। साथियों, जयपुर के सिंहासन की तरफ नजर डालो और अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजो, सिंहासन पर सम्मानीय बेनीवाल जी को बिठाओ ताकि आपकी ताकत बढ़े, आपकी आवाज बढ़े। अभी जब बेनीवाल जी खड़े हुए, किसान जब विरोधी बिल आए तब भी आपने देखा, आज आपको एक बात और कहने जा रहा हूं। कुछ ही समय बाद रेडियो के ऊपर आएगा कि मन की बात कहने के लिए सम्मानीय मोदी जी फिर अपनी बात कह रहे हैं और जब वो मन की बात कहेंगे तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार ने जो अग्निपथ योजना जो संविदा पर लेकर आई है वो बहुत अच्छी थी लेकिन हम समझाने में कामयाब नहीं हुए, सम्मानीय बेनीवाल जी इसको हम वापस लेते हैं, ये वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे और तब हमारा गर्व से सीना ऊंचा होगा जब राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल जी का नाम वो उद्बोधन में लेंगे। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं सम्मानीय बेनीवाल जी को
कि आप जिस ताकत के साथ लड़ रहे हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ है, आपके छोटे भाई बनकर आपकी ताकत को बढ़ाएंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हो क्योंकि नारायण जी पहले आ गए, मुझे समझ जाना चाहिए क्या कहने आए हैं मुझे। तो मैं तो इतना ही जरूर कहना चाहूंगा कि जो माता पिता हमें जिन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया और तीन साल से वो कोचिंगों के बिल दे रहे कि मेरा बेटा सेना में जाएगा, सेना हमारा व्यवसाय नहीं, राजस्थान की आन बान और शान है, सदैव इस राजस्थान की वीर भूमि के अंदर वीरों ने जन्म लिया है और तब भी मौका मिला इन वीरों ने अपना जौहर दिखाया है। राजस्थान का वीर जवान कभी पीठ नहीं दिखा सकता और छुरा पीठ में घोंप नहीं सकता। और मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कांग्रेस सरकार से भी कि आप जिस प्रकार से अपने राजकुमार को बचाने में लगे हुए हो, अगर इतनी आधी सी शक्ति भी इन युवाओं के साथ लगाते तो मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी होने का कहीं ना कहीं आपकी सरकार रहने का धर्म तो अदा कर पाते। लेकिन इन्हीं भावनाओं के साथ पुणे में इस जोधपुर की पावन धरा पर आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए एक चाहूंगा कि एक जोरदार जयकारा बोले, जय बलदेव महाराज की, जय बलवीर तेनाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान जय किसान, राम राम सब।